अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे इजी वेज दम बिरयानी हैदराबादी स्टाइल में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ली सेम की फली, बीन्स की फली, गाजर और फूलगोभी, बटाने, मटर और आलू ले ली मैं। ये जो गाजर, बीन्स की फली, सेम की फली और फूलगोभी है ना, पूरे एक बर्तन में डाल लेंगे हम। एक बर्तन में डालने के बाद में अच्छा पानी से धो के छन्नी में इतरने के लिए रख देंगे हम पानी। अब हम गैस पे कढ़ाई रख के तेल गरम कर लेंगे। ये देखिए गरम हो गया तेल। अब इसमें हम तरकारी डाल देंगे। तरकारी डालने के बाद में इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, सिर्फ कच्चा पका फ्राई करके ले लेना। अलट पलट कर लेंगे हम तरकारियों को। फ्राई हो गया, अब हम ये निकाल लेंगे। सिर्फ हाफ फ्राई करना है इसको, आधा फ्राई करना, डीप फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को भी हम पलटा लेते हुए फ्राई कर लेंगे। आलू को भी ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बस इतना ही करना। देखिए जब हम बिरयानी दम पे देते ना तो उसमें गल जाती है, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम बटानों को डाल देंगे, मटर को। अब हम इसको हिलाते हुए निकाल लेंगे। बटाने भी रेडी हो गए। अब हम एक भगोने में कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 3 स्पून जितना, बड़े स्पून से 3 स्पून डालेंगे। अदरक लहसुन को भून लेंगे हम तेल में। अब हम इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, ये भी 3 स्पून ली मैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मिर्ची को भी हम तेल में भून लेंगे। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे, 1.5 स्पून। घी डालने से टेस्ट अच्छा आता। घी डालने के बाद में मिक्स कर देंगे हम। अब हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 स्पून।
हल्दी डालने के बाद में भी फिर से मिला लेंगे। आप गैस के फ्लेम को लो करके लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं 3 चम्मच डाली। मिर्ची डालने के बाद में फिर से मिला लेंगे हम। गैस की फ्लेम को लो पे करी मैं। अब हम इसमें दही डाल देंगे 250 ग्राम। दही डालने के बाद में फिर से हम मिक्स कर लेंगे, दही को भून लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करके जो वेजिटेबल्स तले थे पूरे इसमें ऐड कर देंगे। गैस को ऑफ कर दी मैं, बंद कर दी। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं 2 स्पून डाली। अब हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 स्पून। होममेड गरम मसाला पाउडर है ये। अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे 1 स्पून जितना। कोथमीर और पुदीना ले लेंगे 1 मुट्ठी कट करके। अब हम ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे तली हुई। 4 बड़े साइज की प्याज को लेके तली मैं। प्याज को इस तरह से तोड़ते हुए डालेंगे और थोड़ी प्याज हम दम पे डालने के लिए रख लेंगे, बचा लेंगे। अब हम नींबू का रस डाल देंगे इसमें। 3 बड़े साइज़ के नींबू ले ली मैं। अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके छोड़ देंगे हम इसको। अब हम अदहन के लिए पानी रख लेंगे चावल के लिए। इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे खुला, शाजीरा, इलायची, दालचीनी का चकला और लौंग। कुकिंग ऑयल डाल देंगे। नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हरी मिर्ची डाल देंगे 5 से 6 स्लिट्स करके। कोथमीर पुदीना डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसको ढक्कन ढाप के बॉईल आने तक पका लेंगे। ये देखिए बॉईल आ गया। 1 घंटा पहले से मैं बासमती चावल को धो के रख ली थी। ये देखिए अब हम अदहन में डाल देंगे ये चावल को। अदहन चावल डाल देने के बाद में एक बार हिला लेंगे हम इसको। हिलाकर ढक्कन ढाप के फिर से बॉईल आने तक पका लेंगे। ये देखिए बॉईल आ गया। हम इसको चेक कर लेंगे। चावल 70% तक पक गया चावल। अब एक लेयर डाल देंगे हम इसकी अखने में। ये देखिए स्टोव ऑफ ही है अभी ये अखनी का। इसमें हम डाल देंगे चावल को। फर्स्ट लेयर 70 से 80% तक पकने के बाद चावल की डाल देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं है अखनी में। सब फ्राई करके ले लीजिए और पानी भी नहीं छोड़ता है इसका।
अब सेकेंड लेयर हम 90% तक पकने वाले पक गए सो चावल डाल देंगे। ये देखिए जो लास्ट सेकेंड और लास्ट लेयर है 90% तक पक गया था ये चावल, इसको एक बराबर कर लेंगे हम चावल को। अब हम इसमें दूध में येलो केसर फूड कलर मिला के रख लेंगे। अब हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। घी डाल देंगे, घी ज़रूर डालिए, अब टेस्ट अच्छा आता घी डालने से। अब जो कलर मिला के रख लेते हम दूध में वो डाल देंगे। अब हम इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे। कोथमीर और पुदीना डाल देंगे। अब हम बिरयानी को एक थाली को कपड़ा लगा के दम देंगे। इस तरह से थाली को कपड़ा लगा देना, लगा के दम दे देना। 15 मिनट के लिए दम देंगे हम। बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है, फुल हीट हाई हीट पे 5 मिनट के लिए रखेंगे और 10 मिनट लो फ्लेम पे दम को ले लेंगे। ये देखिए दम भी हो गई। ये देखिए अच्छे से पक गया नीचे से भी और खिले खिले बने चावल, मसालेदार वेज दम बिरयानी रेडी हो गई। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये थी आज की रेसिपी, इजी हैदराबादी वेज दम बिरयानी, बहुत ही आसानी तरीके से मसालेदार बिरयानी रेडी हो गई। रमज़ान में आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।